गढ़वाल के पहाड़ी जंगलों में बहुत से जानवर रहा करते थे और बकरियों का एक समूह भी इस जंगल में रहा करता था। ये बकरियां बड़ी ही सुंदर और लंबे सींगों वाली थीं। सारा दिन जंगल में इधर से उधर चरती हुई घूमती और शाम होते ही अपने ठिकाने पर लौट आती। समूह के अंदर भूरी नाम की एक जवान बकरी थी। भूरी का रंग भूरा था। उसकी सोच भी दूसरी बकरियों से जरा हटकर थी। भूरी बहुत ही निडर और दूसरों की सहायता करने वाली बकरी थी। एक बार एक बंदर के बच्चे को कुछ जंगली कुत्ते भंभोड़ रहे थे। तब भूरी अपनी जान पर खेलकर कुत्तों से भिड़ गई थी और उसने अकेले ही अपने लंबे सींग मारकर कुत्तों को भागने पर मजबूर कर दिया था और बंदर के बच्चे की जान बचाई थी। जंगल के राजा शेर सिंह ने भूरी की इस वीरता पर उसकी पीठ भी थपथपाई थी। बकरियों का छोटा सा ये समूह जंगल में जिस जगह पर रहा करता था, उस जगह के ठीक सामने एक छोटी सी हरी भरी पहाड़ी थी। भूरी हमेशा उस पहाड़ी को बड़ी हसरत से देखा करती थी। आज भी भूरी अपने समूह के साथ बैठी हुई जुगाली कर रही थी और उस पहाड़ी को देखे जा रही थी। दूसरी बकरी ने भूरी से पूछा, भूरी, मैंने बहुत बार तुझे इस पहाड़ी को निहारते हुए देखा है, क्या बात है, तू इस पहाड़ी को क्यों निहारती रहती है? ये पहाड़ी कितनी हरी भरी है, वहाँ कई प्रकार के पेड़ पौधे और कई तरह की घास भी है। मैं सोचती हूँ क्यों ना हम सारी बकरियाँ मिलकर उस पहाड़ी की सैर करने जाएं और वहाँ की घास खाकर आएं। मैं भी कई बार यही बात सोचती हूँ, लेकिन कोई भी बकरी उस पहाड़ी पर जाने के लिए राजी ही नहीं होती। चलो हम दोनों मिलकर बाकी बकरियों से बात करते हैं, क्या पता वे सब पहाड़ी पर जाने के लिए मान जाएं। दोनों बकरियां बाकी बकरियों के पास आ गईं और भूरी कहने लगी, मेरी प्यारी बहनों, क्यों ना हम सब मिलकर उस पहाड़ी पर सैर करने चलें? वहां बड़ा मजा आएगा। उनमें से एक बूढ़ी बकरी ने जवाब दिया, अरे भूरी, उस पहाड़ी पर एक खतरनाक भेड़िया रहता है, इसलिए हम वहां जाने से डरती हैं। चाची, खतरनाक जानवर तो हमारे इस जंगल में भी रहते हैं, तो क्या हम उनके डर से जंगल छोड़ दें? डर के आगे ही जीत होती है चाची, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। चल, अगर तू कहती है तो ठीक है, हम सब कल चलेंगे वहाँ। फिर अगले दिन सारी बकरियाँ और भूरी पहाड़ी की ओर चल पड़ती हैं। पहाड़ी पर आकर सारी बकरियाँ बहुत खुश हो गईं और मजे के साथ नरम नरम घास चरने लगी। पहाड़ी पर रहने वाला भेड़िया, जो कि एक छोटी सी गुफा में रहा करता था, बकरियों की आवाज सुनकर गुफा से बाहर निकल आया और एक साथ इतनी सारी बकरियों को देखकर भेड़िये के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, आज तो मजा आ गया, इतनी सारी बकरियां खुद चलकर मेरा शिकार बनने आ गई। मजा आ गया। भेड़िया घात लगाकर बकरियों की तरफ आगे बढ़ने लगा। एक बकरी भेड़िये को देखकर दूसरी बकरियों को सावधान करती है, भागो बकरियों, भागो, भेड़िया आ रहा है। सारी बकरियां बौखला गईं और जंगल की तरफ भागने लगी, लेकिन भेड़िया लपक कर एक बकरी को दबोच लेता है और उसे मारकर उसका मांस खाने लगता है। वाह वाह, आज की दावत तो बड़ी मजेदार हो गई, बकरी का मांस बहुत दिनों बाद खाने को मिला। सारी बकरियां जंगल की ओर भागी चली जा रही थीं,
भूरी भागते भागते अचानक रुक गई और पलटकर भेड़िये को देखने लगी। भेड़िया उस समय बकरी के मांस की दावत उड़ा रहा था। भूरी की आंखों में दुख के आंसू आ गए और वो सोचने लगी, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। अगर मैं जिद करके सारी बकरियों को यहाँ लेकर नहीं आती तो आज मेरी इस बहन की जान नहीं जाती। फिर भूरी भारी मन से जंगल की तरफ लौट गई। भूरी बहुत ही ज्यादा उदास थी। सारी बकरियां भूरी को ही दोषी ठहरा रही थी। एक बकरी भूरी से कहने लगी, देख लिया तूने पहाड़ी पर जाने का नतीजा, भेड़िया हमारी एक बहन को खा गया। दूसरी बकरी कहती है, ये हादसा तेरी जिद के कारण ही हुआ है। अगर तू हम सबको लेकर पहाड़ी पर ना जाती तो ये सब कुछ ना होता। भूरी कोई जवाब नहीं देती, बस मन ही मन कुछ सोचती रहती है। ये दिन बीत गया और अगला दिन हो गया। सारी बकरियां जंगल में घास चर रही थी, लेकिन भूरी पहाड़ी की ओर जा रही थी। एक बूढ़ी बकरी भूरी का रास्ता रोककर पूछती है, अरे भूरी, तू पहाड़ी की ओर क्यों जा रही है? वहां भेड़िया है, भेड़िया, वो तुझे भी खा जाएगा। दादी, मैं उस भेड़िये से नहीं डरती। आज मैं अपने नुकीले सींगों से उस भेड़िये का काम तमाम कर दूंगी। ये कहकर भूरी पहाड़ी पर चली गई और भेड़िये को पुकारने लगी, अरे ओ खूनी भेड़िये, देख मैं आई हूँ, तुझमें हिम्मत है तो आकर मुझे खा ले। भेड़िया भूरी की पुकार सुनकर अपनी गुफा से बाहर निकल आया और भूरी से कहने लगा, अरे वाह, मेरी किस्मत तो आजकल मुझ पर बड़ी मेहरबान है। मेरा शिकार बनने के लिए बकरियां खुद चलकर मेरे पास आ जाती हैं। इतना कहकर भेड़िये ने भूरी के ऊपर छलांग लगा दी। लेकिन निडर भूरी चौकन्नी थी, तुरंत पैंतरा बदलकर अपने लंबे सींग भेड़िये के पेट में घुसा दिए। भेड़िये के पेट में छेद हो गए और खून बहने लगा। अपना खून बहता हुआ देख भेड़िये का पारा चढ़ गया। बकरी, तेरी इतनी हिम्मत, जो तूने मुझे सींग मार कर घायल कर दिया, अभी बताता हूँ तुझे। भेड़िया फिर से भूरी पर झपटता है और अपने पंजों और नुकीले दांतों से उसे घायल करने की कोशिश करता है। भूरी जमीन पर गिर पड़ती है। भेड़िया गुर्राते हुए भूरी की ओर बढ़ा तो भूरी हिम्मत जुटाकर एकदम से खड़ी हो गई और एक जोरदार टक्कर भेड़िये को मार दी। टक्कर खाकर भेड़िया धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। भेड़िये का सर एक पत्थर से टकराकर फट गया और भेड़िया उसी समय मर गया। घायल भूरी भी गिरकर मर गई। इस तरह एक बहादुर बकरी ने अपनी हिम्मत और साहस से अपने प्राण देकर भी एक खूनी भेड़िये को मारकर अपनी बिरादरी और अन्य जीवों के लिए खतरे को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुष्टों और अत्याचारी के सामने कभी सर नहीं झुकाना चाहिए। अत्याचार का सदा निडर होकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि डर के आगे ही जीत होती है।